फाइनली अपन विशाखापट्टनम पहुंच चुके हैं। तीनों जो स्कूटी हम लोग ने ले लिया है यार, ये था अपना होटल, चलते हैं अंदर कराना चाहूंगा। ये अपना रूम था, देख रहे होंगे हम लोग उठ तो गए थे, बट ऐसा इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इतना ठंडी लग रहा है। रेलवे क्या किया है, सुबह टाइम टेम्परेचर पूरा माइनस कर दिया है, और मतलब कम कर दिया है, माइनस नहीं किया है, और इतना ज़्यादा ठंडी लगने लगा है हम लोगों को अभी। और ना मैं लोगों को क्या ही बताऊँ, बाहर का सीन एक बार चेक करें, पूरा यार कोहरा है बाहर, आपको पूरा दूर दूर तक कोहरा ही दिखेगा। करो यार, अभी हम लोग सब के सब उठ गए हैं, और सब हम लोग बाहर में बैठे थे गेट के पास, लेकिन वहाँ से आ गए हैं, और अभी भी राजा भाई उठा ही नहीं है, और पता नहीं और आधा घंटे समय और मिल जाएगा तो सो जाऊँगा बोलते हैं। पूछ लिख देखो, वापस ग्यारहबस्ती जाऊंगा बोलते हैं, बोल रहा है कि सोने में मेरे को कंपटीशन मत करो, नहीं तो फिर ग्यारहबस्ती तक चले जाऊंगा। ये देखो क्या कर रहे हैं लोग, करना क्या चाहते हैं, देखो सामान पैक करते हैं, और ये भाई को देखो रेडी हो रहे हैं, अभी सब कुछ अपना बैग नीचे ला रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। खूबसूरत है, देखे देखे, वाह यार। तो फाइनली गाइस अपन विशाखापट्टनम पहुंच चुके हैं, आप लोग देखेंगे अब अपन स्टेशन जाने वाले हैं। देख लो गाइस, फाइनली अपन विशाखापट्टनम पहुंच चुके हैं। क्या चीज के लिए लड़ाई हो रहा है यार, ये देखो भाई फाइव स्टार के लिए फाइट हो रहा है। और फाइनली वाइजेक अपन पहुंच चुके हैं यार, अभी हम लोग निकलने से पहले एक बार फाइनल चेकअप कर रहे हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ हर बार की तरह मैं भूल जाता हूँ। लोग ना हमेशा रेलवे में ये ध्यान रखते हैं कि अपन कचड़ा ना फैलाए, इसलिए हमेशा एक जगह में उसको साफ करके रखते हैं। लो ब्रो, फिर मिलते हैं फिर कभी। यार हम लोग ना बहुत टाइम से पहुंच सके, बट यहाँ पे अभी हम लोग का थोड़ा बोट के पास शूटिंग चल रहा है रील्स वगैरह का, तो बस यार अभी यहाँ पे अपन शूटिंग करेंगे, फिर उसके बाद अपन रेंट वाला बाइक लेने का सोचे हैं जो कि स्टेशन के बाहर है, फिर वो लेने के बाद आगे जाएंगे यार। अब जाके हम लोग का शूटिंग कम्प्लीट हुआ है सब कोई का, अब चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड। फाइनली यार अपन पहुंच चुके हैं विशाखापट्टनम, और ये था उसका आउटडोर, और अपन को ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा क्योंकि देखो फ्रंट में ही दिख रहा है कार एंड बाइक रेंटल। सो यार यहाँ से अपन बाइक लेंगे, मतलब स्कूटी लेंगे, फिर यहाँ से सीधे निकलेंगे आर के बीच के साइड, फिर से दिखाऊंगा यार। फ्लाइट यहाँ से टेकऑफ हो चुका है, और बहुत बहुत पास है यहाँ से एयरपोर्ट जो है। देखो यार ये इसका आउटडोर था, और फ्लेयर देखो क्या तगड़ा लग रहा है यार। ये लोगों का क्या प्राइस है स्कूटी का, अगर अपने अफोर्डेबल रहेगा तो अपन यहीं से ही लेंगे, फिर आगे जाएंगे गाइस। देख सकते हैं हम लोग ने यहाँ पे बाइक रेंट ले लिया जो कि 500 रुपीज़ था। करें अभी डॉक्यूमेंटेशन का काम हो रहा है, और आप लोग जब भी आएंगे ये गेट नंबर 1 चेक करें, और ये आपका यहाँ पे स्टार्टिंग में ही है, तो आप कहीं भी जाएंगे ना आपको यहाँ से इजी पड़ेगा, क्योंकि यार यहीं से ही लेंगे, यहीं से आएंगे तो बेटर रहेगा, परेशान मत होइएगा, और मेरा वीडियो देख के ही आइएगा गेट नंबर 1। और ये रहा, आप चेक कर लीजिए नंबर भैया का, यहाँ भी आपको मिल जाएंगे यहाँ के ऑनर जो हैं, तो यहीं से ही रेंट पर लीजिएगा। और ये अपना एक फर्स्ट है यहाँ पे, वैसे काफ़ी कलेक्शन है इनके पास, लेकिन उत्तराखंड जैसे तो न्यू तो नहीं है, बट काफ़ी ठीक ही कंडीशन में है। सो फाइनली यार अब यहाँ से अपन आगे चलते हैं, और हम लोगों ने 1, 2 और 3 ये तीनों जो स्कूटी हम लोग ने ले लिया है, अब चलते हैं सीधे होटल के साइड। ये अपने ही लड़के हैं, चेक करें भाई, निकल चुके हैं फाइनली हम लोग वहाँ से। यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फ्यूलअप के लिए, ये हमारा पहला फ्यूलअप था, पहुंच चुके हैं आर के बीच के पास, और यार यहाँ पर से जो उसका व्यू है ना यार बहुत खूबसूरत है।
देखो अपन पहुंच चुके हैं विशाखापट्टनम और यहाँ से कुछ दूर में ही अपना होटल है, तो पहले बात जाते हैं यहाँ बुकिंग करते हैं और एक बार आप सी वीप का शूट चेक करेंगे यार, बहुत खूबसूरत है दूर दूर तक। फाइनली यार अपन को अपना होटल मिल चुका है और ये चेक करें, ये था बीच गेस्ट हाउस, ये अपना होटल है और अभी पहले चलते हैं और चेक इन करते हैं यार होटल में। सो आप लोगों को कैसा लग रहा है यार पहुँच के वाइजेक? यार ये था अपना होटल, चलते हैं अंदर और चेक इन करते हैं। यार अपन अभी पहुंच चुके हैं और एक्चुअल में अपना रूम ये 11 नंबर था, बट अभी ऐसा हो रहा है सीन कि अभी वहाँ जो आए हैं जो रूम में स्टे लिए हुए हैं वो अभी चेकआउट किए नहीं हैं, तो फिलहाल अभी अपन लोगों को 12 नंबर रूम जो कि अभी खाली है, मैं आपको अंदर से चेक कराना चाहूँगा। ये अपना रूम था और बहुत अच्छा है, चेक करो। तो हम लोग यार अभी ऋषिकोंडा बीच जाने के लिए अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं, चेक कर सकते हो। और पुछली भाई आज फर्स्ट टाइम बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा शायद मैं भी थोड़ा सा लग ही रहूँगा। चेक करो सही लग रहा है। ठीक भाई, फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए यार। ओ अब जाके यार 12 बज चुके हैं, बट हम लोग अभी तक यार फोटो हुआ ही नहीं था। अभी लाइन से आप चेक करो, सबका चल ही रहा है। अब यहाँ से हम लोग जाने वाले ऋषिकोंडा बीच के साइड। अब आपको हम लोग मैं आपको दिखाने वाला हूँ बीच में रास्ते का जितना भी सीन आने वाला है वाइजेक का। ये देखो यार भाई सेम विलन जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और अगर दिख रहा हूँ तो बताना यार कमेंट करके कौन सा विलन टाइप का मैं दिखने वाला हूँ, मतलब दिख रहा हूँ। अब जाके यार अभी हम लोग निकले हैं वहाँ से और ये देखो आपको यहाँ ना वाइजेक का एक चीज़ है, आर के बीच में आप जहाँ तक आप देखोगे ना आपको बस यार दूर दूर तक सिर्फ होटल दिखेंगे। अभी हम लोग अपने बाइक स्टैंड के पास आ चुके हैं गाइस, चेक करो। और यहाँ से भी हम लोग निकलेंगे आर के बीच में, अभी हम लोग हैं। यार इनको रास्ता पता नहीं है लेकिन आगे ही निकलना है ना। चलो अपन यहाँ से आगे जाएंगे। देखो यार कैलाश गिरी आपको यहाँ से दिख रहा होगा और ये भी चेक करो। यार हम लोगों को काफ़ी भूख लग रहा था क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो हम लोगों को फाइनली ये वाला होटल मिल चुका है, होटल ऑरेंज। तो अब चलते हैं, पहले यहाँ पे विजिट करते हैं और कुछ खाते हैं, फिर यार आप लोगों को मैं शिन ये जो ये था ये जो नाव है इसका एक स्टोरी है जो बह के आया है यहाँ पे। ये देखो जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो ये जो है ना पानी में बह के आया था, फिर इसको अभी टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। तो अभी मैं आप लोगों को वहाँ पे लेके जाने वाला हूँ, इसको आपको विजिट कराऊंगा, चेक कराऊंगा, फिर आपको वहाँ बहुत सारा रील्स और पिक्स लेंगे, फिर आगे जाएंगे रेस्टोरेंट। यहाँ चलते हैं खाते हैं यार कुछ। यार भाई का मेरा बिरयानी आ चुका है, हम दोनों खाने वाले हैं और हम लोगों ने काफ़ी टाइम से मैं बिरयानी खाया नहीं था। सब यार प्राइस मुझे नहीं पता कैसा है, कॉस्टली है या फिर जेन्युइन है, बट चेक करो यार बहुत टेस्टी है ये भी। और हम ये खाली वाला भी होंगे जरा, मैंने जो चिकन बिरयानी खाया वो भी। ये शर्व करने का कौन सा तरीका है यार, पूरे ऐसे देख रहे हो पार्टी में। हम लोग ने यहाँ पे अब खाना खा लिया है, अब चलते हैं आप लोगों को चेकआउट कराएंगे वो वाला जो नाव था बड़ा वाला सीप जो है, और अभी यहाँ पे अपन बिलिंग वगैरह कर रहे हैं, फिर बिलिंग करने के बाद निकलेंगे गाइस। ये देखो यार ये इसका एंट्रेंस था, अंदर चलते हैं विजिट करते हैं और आपको चेक कराएंगे जो बड़ा वाला सीप है वहाँ पे। अब हम लोग पहुँच गए फाइनली बीच के पास। सो गाइस आप लोगों का डिमांड था यार कि भाई सिनेमैटिक कम बनाता, तो चलो एक बार आप लोग चेक कराते हैं अपने वीडियो में सिनेमैटिक। Oh,
हम लोग को अभी तक ऋषिकोंडा बीच में होना था, बट अभी हमारे फ्रेंड्स लोगों का यार मतलब अंदर से वाइब्स नहीं आ रहा, लग रहा कि यहाँ से चलना चाहिए। और अंदर जगह यार, कि यहाँ से क्या ही बोलूँ,